हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबको लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही खतरनाक है, बट आज जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो खतरनाक है तो क्योंकि प्रीवियस ईयर्स काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉप का नियम। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आज हम लोग करने वाले हैं किरचॉप्स लॉ पे। ठीक है, किरचॉप के नियम को, जैसा कि पता है आपको कि किरचॉप के दो नियम हैं। ठीक है, एक एक कर करके दोनों को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हम किरचॉप का पहला नियम कवर करेंगे। अगर हमारा मन होगा तो और लंबा चलेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ जाइए, हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, और ताकि हम आज के क्लास को शुरू कर सकें किरचॉप्स लॉ किरचॉप के नियम को। जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। और यहाँ पर जो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे वो फर्स्ट रूल है, पहला नियम है। ठीक है, तो जो फर्स्ट रूल है उसमें क्या नाम दिया गया है किरचॉप्स के प्रथम नियम में। और देखिए, सबको लगता है ना, एक बात क्लियर करना चाहते हैं हम, सबको लगता है कि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स काफ़ी बार पूछा गया, लेकिन हार्ड नहीं है अगर माइंड में अच्छे से समझो तो। दोनों रूल जो है वो 15-15 मिनट की क्लासेस है, यानी 30 मिनट में पूरा किरचॉप्स लॉ खत्म। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा, बिल्कुल लाइक और शेयर बनता है करने के लिए। ठीक है, और बिल्कुल बीच में कहीं मत जाइएगा, ड्रीम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आपको जो है वो सीखने को मिलेगा। तो यहाँ कहते हैं फर्स्ट रूल। ठीक है, फर्स्ट रूल, अब देखिए इसको हम अच्छे से हिंदी में लिखते हैं ताकि समझ में आए आपको। ओके, चलो, तो यहाँ पर हमने हेडिंग बनाया पहला नियम। पहला नियम क्या है और इसको, इसका क्या नाम रखा गया है, ये पहले हम आपको बताते हैं। आप क्लियर हो गए कि किरचॉप्स के कितने नियम हैं, कितने रूल हैं? दो रूल हैं। अगर हम अच्छे से पढ़े तो 15-15, 20-20 मिनट की क्लासेस है, दोनों ख़त्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि बिंदु नियम, इसका जो नाम है ये है बिंदु नियम अथवा बिंदु नियम या संधि नियम, बिंदु नियम या संधि नियम या किरचॉप की धारा का नियम, या किरचॉप की धारा का नियम, ये टॉपिक हमें आज पढ़ना है आज के क्लास में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप इसको हल्के में लेते हैं तो बड़ा ही आसान तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। अगर पहले ही डर गए कि नहीं बहुत हार्ड टॉपिक है, तो फिर कन्फ्यूजन और बढ़ेगा और टॉपिक्स को हम समझ नहीं पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे। पहले जो है हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं, इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। सवाल है कि सर इसके बारे में पहले समझा तो दीजिए, बाद में डेफिनेशन करिएगा। हमारा कहना है कि नहीं, पहले जो है ना हम डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद अच्छी अच्छी टॉपिक्स को एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा देंगे। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया अगर इसके डेफिनेशन को, तो हम क्या लिखेंगे। सभी लोग रेडी हैं, स्टार्ट, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, या तो नीचे लाइव चैट में लिखने के लिए रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं, सर यूपी बोर्ड का पढ़ाइए, सर एमपी बोर्ड का पढ़ाइए, सर राजस्थान का पढ़ाइए, गुजरात, हरियाणा। एक चीज़ याद रखिए कि ये जो हमारा पीसीएमबी होता है ना बाबू, क्लियर कर लो पहले अपने माइंड में, पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, ये हमारे ऑल ओवर इंडिया में लगभग सेम होता है। कोई एक पर्टिकुलर कोई बोर्ड के लिए नहीं होता है, 90% सिलेबस सेम होता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि उनकी किताबें अलग अलग रहती हैं। चलिए, तो आप लिखिएगा कि विद्युतीय परिपथ में, जहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसके डेफिनेशन को लिखिए कि विद्युतीय पहले लिख लो, फिर हम आपको इसको अच्छे से समझा देंगे, नहीं समझ में आए तो फिर हमें बताना, बिल्कुल समझा देंगे। विद्युतीय परिपथ में किसी भी बिंदु, विद्युतीय परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली बली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग्य, ठीक है, बीजगणितीय योग्य शून्य होता है। कहिए सर पता नहीं क्या आपने लिखा दिया, ये आप हमें किरचॉप्स लॉ पढ़ा रहे हो या कुछ और पढ़ा रहे हो,
लिखो इसको पहले, हम आपको एकदम बिल्कुल क्लियर करके लिखाएंगे कि विद्युतीय परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चलिए अब हम इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में अगर हम इसको समझाएं, ठीक है, तो मानकर चलिए कि विद्युतीय परिपथ है, ठीक है, जहां से धारा प्रवाहित किसी भी बिंदु पर, ये मानकर चलो एक बिंदु है, आप इसको पॉइंट या जंक्शन कह सकते हो जी, आप इसको क्या कह सकते हैं, पॉइंट या जंक्शन कह सकते हैं, जहां से मिलन मिलाप होता है, ठीक है। तो हमने लिखा है कि विद्युतीय परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय, अच्छा ये धारा है किस तरह की, या तो एक आएगी या तो एक जाएगी, तो जो धारा उसमें जाएगी वो पॉजिटिव, और मतलब जो आएगी वो पॉजिटिव और जो जाएगी वो निगेटिव, यानी एक प्लस एक माइनस। तो मानकर चलिए कि इधर से जो धाराएं हम लेकर जा रहे हैं ये पॉजिटिव है, ऐसे इसको हम कहते हैं आई वन, ठीक है, ये धारा जो है ये क्या है आई टू है, और ये धारा जो है वो आई थ्री है, इधर से जा रही है, ठीक है, आई वन आई टू और आई थ्री, तीन विद्युतीय धाराएं विद्युतीय परिपथ में किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु विद्युतीय परिपथ में किसी भी बिंदु सॉरी किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर होना चाहिए, किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का, मानकर चलिए ये बिंदु है, यहाँ पे सभी धाराएं मिल रही है, तीन धाराएं जो इधर से जा रही है पॉजिटिव है और दो जो है वो उससे निकल रही है, ठीक है, इधर से जा रही है और निकल रही है कितनी, दो धाराएं मानकर चलिए निकल रही है, एक ये इसको हम मानकर चलते हैं आई फोर, और ये जो है एक हम इसको मानकर चलते हैं आई फाइव, ठीक है। तो हमने कहा कि बिंदु नियम या संधि नियम या किरचॉफ की धारा का नियम का कहना है कि विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य शून्य होता है, यानी सीधे सीधे कहिए कि जो धारा जाएगी और जो धारा निकलेगी, जो धारा जाएगी पॉइंट टू बी नोटेड, जो धारा जाएगी यानी जितना का आवेश का यहाँ पर जमाव होगा उतना का ही प्रवाह होगा यानी निकलेगा वह, तो जो धारा जाएगी और जो धारा निकलेगी इनका योग जो है वो आपस में शून्य होगा, यानी ये और ये आपस में बराबर है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से जो पहला नियम है बिंदु का नियम, किरचॉफ के नियम से यानी हम इसको कह सकते हैं कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री आई फोर और प्लस आई फाइव ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। पॉइंट टू बी नोटेड, समझिएगा इस चीज़ को, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। हमने कहा कि पहला नियम कह रहा है कि बिंदु नियम या संधि नियम कि विद्युतीय परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होगा, यानी ऐसे कंडीशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री और ये पॉजिटिव इधर आएगा माइनस आई फोर और माइनस आई फाइव इज इक्वल टू जीरो। लीजिए जी बीजगणितीय योग क्या हो गया हमारा, शून्य हो गया, हमने इस चीज को क्लियर कर दिया। अब देखिए यहां तक क्लियर है, समझ रहे हैं ना, किसी विद्युतीय परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, यानी सीधे सीधे कहिए कि जितना आवेश का प्रवाह होगा उतना ही आवेश का गमन होगा, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो जीरो होता है। ये हमारा हो गया किरचॉफ का पहला नियम, फर्स्ट लॉ। जैसे मानकर चलिए एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, सभी के सामने एक सवाल रखते हैं जिस जो आपके माइंड को जो है वो बिल्कुल स्पष्ट कर देगा। वो सवाल हम इस तरह से कि मानकर चलिए कि ये एक बिंदु है, ठीक है, और यहाँ से सभी जाने वाली धारा जो है वो इस तरह से तीन है और निकलने वाली धारा जो है वो इस तरह से है दो, चलिए मानकर चलते हैं, या तीन भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तीन जा रही है तीन निकल रही है, तो जाने वाला पॉजिटिव, ठीक है, और निकलने वाला निगेटिव। तो मानकर चलिए कि यहाँ से 20 एम्पियर की धारा, यहाँ से 15 एम्पियर की धारा और यहाँ से 10 एम्पियर की धारा जा रही है, और यहाँ से इसको हम कहेंगे आई वन, सभी से सवाल है जी, अभी पहले देखते चलिए आई टू, ये एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल नंबर टू, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर वन। तो हम कहेंगे कि जो आई वन है वो 20 एम्पियर है, आई टू जो है वो 15 एम्पियर है, आई थ्री जो है वो 10 एम्पियर है, और ये जो हमारा आई फोर है वो 25 एम्पियर है, ठीक है, आई फाइव जो होगा
वो 30 एम्पियर है, सॉरी, या 30 नहीं, हाँ 5 एम्पियर कर दीजिए, 10 एम्पियर कर दीजिए, चलिए 10 एम्पियर है। तो ये जो I6 होगा इसका मान क्या होगा? चलिए सभी लोग बताइएगा क्या आंसर है जी, जल्दी जल्दी से बताइए कि ये जो I6 होगा वो क्या होगा। बहुत ही खतरनाक सवाल आपके सामने, बहुत ही सिंपल है, सभी लोग का कमेंट आना शुरू हो जाना चाहिए। फटाक फटाक बताइएगा, फटाक फटाक बताइएगा कि ये क्या होगा, जल्दी जल्दी से सभी लोग। हमने कहा कि बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है, I6 की वैल्यू क्या होगी? सभी का कमेंट आना शुरू भी हो गया, कुछ कुछ बच्चे जो है वो कमेंट कर रहे हैं। फटाक फटाक जल्दी से करिएगा क्या आंसर होगा। आ रहा है ना, इसी को हम कहते हैं किरचॉप्स लॉ, किरचॉप का नियम, पहला नियम। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इस तरह से सॉल्यूशन। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। अब देखिए हमने क्या किया कि जाने वाली जो रेखाएं हैं वो जाने वाली धारा कितनी है, 20, 15, 35। यानी हमें तो पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 और ये जो है I4 I5 I6 आपस में बराबर होता है, यानी I4 प्लस I5 प्लस I6। अब I1 की जो वैल्यू है वो 20 एम्पियर है, I2 की वैल्यू 15 एम्पियर है, I3 की वैल्यू 10 एम्पियर है, I4 की वैल्यू 25 एम्पियर है और I5 की वैल्यू 10 एम्पियर है, और I6 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, 20, 15, 35, 10, 45 एम्पियर इधर हो गया, 45 एम्पियर, और 25, 10, 35 एम्पियर इधर हो गया, और प्लस एक्स की वैल्यू, इसको इधर करेंगे तो 45 में से 35 गया, 10 एम्पियर जो होगा वो किसकी वैल्यू, एक्स की, और एक्स क्या है यानी I6 की वैल्यू जो होगा वो 10 एम्पियर है। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा था। कुछ नोट्स हम लिखाते हैं यहाँ पे, पहले क्लियर करिए इतना कॉन्सेप्ट। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, मज़ा लग रहा है फिजिक्स पढ़ने में? नहीं, पूरा कंप्लीट फिजिक्स पढ़ना है तो ऐप पे डाउनलोड करिए ड्रीम क्लासेस का और वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर लो। बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए वहाँ से, और एक कंप्लीट कोर्स करवाएंगे हम वहाँ पर, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। अभी भी अगर आप अभी से भी ज्वाइन करना चाहते हो ना, 2-3 महीने भी बच रहे हैं, एग्जाम है 3-4 महीने, तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 4 महीने तो आराम से पढ़ सकते हो पूरा फिजिक्स, ठीक है? कितने लेक्चर्स रहेंगे, 70-80 लेक्चर, 100 लेक्चर, 100 लेक्चर यानी 100 दिन हो गया फिजिक्स ख़त्म, ठीक है? चलिए तो यहाँ से x की जो वैल्यू आया 10 एम्पियर हुआ। कुछ एग्जाम्पल इसको मिटाते हैं, ये आप नोट करो जी, अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे करना है सॉल्व इसको, इसको नोट करो, इधर कुछ लिखाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें। तो आप समझ गए कि किस तरह से बीजगणितीय योग जो होता है वो किस तरह से शून्य होता है। क्लियर है? चलो आ रहा है मज़ा, आज मज़ा आ रहा होगा फिजिक्स पढ़ने में सबको, नहीं? 3-4 दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी ना, कल हुई, उसके बाद फिर काफ़ी दिनों से नहीं हो रही थी, बीच में छुटा हुआ था। करेंगे फास्ट फास्ट हम लोग, टेंशन नहीं लो। चलो अब देखो कुछ एग्जाम्पल हम आपको लिखाते हैं, नोट करके लिखो सब, नोट नंबर पहला लिखिए। अच्छा यहाँ से आपने क्या देखा कि जो जाने वाली धारा है, ठीक है, एक सेकेंड, अगर आने वाली धारा जो है, अगर जाने वाली धारा पॉजिटिव है तो आने वाली धारा निगेटिव होगी, और अगर आने वाली ही निगेटिव रहेगी तो जाने वाली पॉजिटिव रहेगी, इस चीज़ को लिखना है। तो नोट नंबर पहला लिखेंगे कि अगर आने वाली धारा को धनात्मक ली जाती है, अगर आने वाली, मतलब ये आ रहा है ना इसमें, इस पे, अगर आने वाली धारा धनात्मक ली जाए तो जाने वाली यानी बाहर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेना होता है। सिंपल सी बात है, जब आएगा धनात्मक तो जाएगा कैसा, ऋणात्मक। अगर आएगा धनात्मक तो जाएगा कैसा, ऋणात्मक। नोट टू में हम कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लिखा रहे हैं इस चीज को, लिखिएगा किरचॉप्स के नियम में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोनों। अगर दोनों सभी लोग लाइव चैट में लिखेंगे, अगर आने वाली धारा ऋणात्मक हो, ऋणात्मक ली जाए तो जाने वाली धारा को धनात्मक लेना
होता है, ये रूल है जी किरचॉफ्स का, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो ना इधर से हमने इसको क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था, ऑटोमेटिकली ये क्या है, निगेटिव है। अगर हम इसको निगेटिव लेंगे तो ऊपर वाला जो निकलेगा वो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। इतना क्लियर करो सभी लोग फटाक फटाक, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से इसको फटाक फटाक क्लियर करिए। यानी हमारा यहाँ से क्या निकला, नोट थ्री में कहेंगे कि हमें पता चला सभी बातें, एक एक पॉइंट लिखा देता हूँ मैं ताकि क्लियर ना हो आप, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। नोट थ्री में हम कहेंगे कि आने वाली धारा, नोट थ्री में हम कहेंगे कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, नहीं तब तो ये इसके इधर आएगा तो बराबर शून्य हो जाएगा। यानी आने वाली धारा और बराबर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, दोनों का मान जो है आपस में बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए और कुछ बातें लिखाएं, बहुत सारी बातें, इसको मिटा रहे, नोट करिएगा पहले इतना। क्लियर करिए फास्ट फास्ट एकदम, बहुत कुछ अभी बच रहा है। इतना आसान नहीं समझिए कि चॉप्स फास्ट लॉ को, ठीक है, मैंने आसान बोला इतना भी नहीं। नहीं हाँ चलो, अब जो बातें हम करते हैं वो इम्पोर्टेंट ये है कि लिखेंगे कि चॉप के पहले नियम को धारा का नियम या बिन, सॉरी एक सेकेंड पहले लिख देते हैं उसके बाद समझाते हैं। नोट फोर में, नहीं ये नोट फोर हो गया हमारा, यहाँ पर हेडिंग बनाइए नोट फोर। मैं देख लेता हूँ कि ये आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं, क्योंकि बोर्ड काफ़ी एरिया को कवर कर रहा है। नहीं हाँ, सभी लोग लाइव चैट में बताएंगे दिख रहा है। लिखेंगे कि किरचॉफ का पहला नियम किरचॉफ का पहला नियम या धारा के नियम को किरचॉफ का पहला नियम या धारा के नियम को हमेशा बिंदु पर लगाया जाता है, हमेशा, ठीक है, यह है ना, ये बिंदु जो ऐसे हुआ था, ये ऐसे बिंदु, ये तीन इधर गया और तीन ऐसे चार, जो भी समझो, हमेशा बिंदु पर, हमेशा बिंदु पर लगाया जाता है। इसलिए सभी लोग लिखेंगे लाइव चैट में जी, इसलिए इसे हम बिंदु का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहेंगे? बिंदु का नियम कहेंगे। एक टॉपिक और है हमारा नोट फाइव, इसको भी क्लियर कर ही देते हैं हम लोग। नहीं मतलब जो जो बातें हैं इससे रिलेटेड वो हम आपको क्लियर करवा देना चाहते हैं। तो नोट फाइव कहिएगा, लिखेंगे कि किरचॉफ का पहला नियम या धारा का नियम, किरचॉफ के पहले नियम को क्या कहते हैं जी? धारा का नियम कहते हैं, ठीक है। किरचॉफ का पहला का नियम या धारा का नियम आवेशों के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, पहला नियम हो गया हमारा, जल्दी से नोट करिए, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था हमारा ये किरचॉफ्स लॉ। तो फिलहाल आज के क्लास में तो इतना ही रहेगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ हालांकि उसमें 10-15 मिनट लग जाएगा तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ो, बहुत बड़े बड़े पार्ट्स में मैं पढ़ा दूंगा तो फिर आपको परेशानियाँ होना लाजमी है, बिल्कुल होगा नहीं, तो इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा अपने दोस्तों से अगर आपको हमारा ड्रीम क्लासेस अच्छा लगा, ठीक है। एक कंप्लीट पैकेज हम यहाँ पर बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी के टीचर ड्रीम क्लासेस पे अवेलेबल है। इस कोर्स की, इस
चैनल की ये खासियत है कि यहाँ पे सभी कैटेगरी के टीचर्स अवेलेबल है। और एक बात और, मतलब सॉरी, सभी सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल है। एक बात और, सभी टीचर्स अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ताकि उसको बच्चों को ये ना लगे कि हम यूपी वाले बच्चे ही पढ़ेंगे, बिहार वाला ही पढ़ेगा, एमपी वाला ही पढ़ेगा। नहीं, देखिए, बायो मैम राजस्थान से, केमिस्ट्री मैम राजस्थान से, हम बिहार यूपी से, ठीक है। जो हमारे वो हैं, सॉरी, एक हमारे सर है ना जो बायो, एक सेकेंड, क्लियर हो रहा है? हाँ जी, हाँ, एक मैम जो है वो हमारे यूपी से हैं, ठीक है। तो सब अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं ताकि उनको कन्फ्यूजन है। सॉरी, मैंने गलती बोली, बायो की मैम एक यूपी से हैं और एक बिहार से, सॉरी, एक राजस्थान से। तो सबका अलग अलग बोर्ड है। तो इससे क्या है ना, कॉम्बिनेशन बना हुआ है ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हम बिहार वाले ही सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रीम क्लासेस बिहार और यूपी में बिलोंग करता है तो बिहार और यूपी वाले बच्चे ही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी स्टेट के बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बना के रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल अपने आप को एक उस काबिल बनाइए जहां आप एक मकाम पे खड़े हो सके। और मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और भी इंटरेस्टिंग किरचॉप्स सेकेंड लाओ लेकर। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।